हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करें टाटा पावर्स के बारे में। तो एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आई है और अभी देखा जाए तो 1:46 होना ही है और 3.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो जो खबर निकल के आई है उसके बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और खबर के चलते शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आगे किस तरह के लेवल और टारगेट नज़र आ सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे चार्ट के ऊपर। तो जो खबर निकल के आई है वो दोस्तों आप लोगों के सामने है। हम यहाँ energyworld.com की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और आपने नाम सुना होगा CSC, जो कि जिसे हम कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि छोटे मोटे सिटी में ये कॉमन सर्विस सेंटर्स अवेलेबल भी होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ई गवर्नमेंट्स की ये सब्सिडरीज कंपनी है, आर्म है CSC, उसकी ओर से यहाँ पे टाटा पावर्स को जो ऑर्डर मिला है वो तकरीबन 10,000 सोलर सेटअप का दोस्तों यहाँ पे ये ऑर्डर मिला हुआ है, वो भी रूरल एरिया में। तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, ई गवर्नमेंट सर्विस आर्म CSC अनाउंस कोलाबोरेशन विथ टाटा पावर, जो कि टाटा पावर के साथ दोस्तों यहाँ पे टाई अप किया जा रहा है, जो कि सेटअप सोलर पावर माइक्रोग्रिड एंड वाटर पंप इन रूरल एरिया अक्रॉस द कंट्री, जो कि पूरे कंट्री में जितने रूरल एरिया है वहां पे दोस्तों सोलर पावर के जरिए फार्मर्स को दोस्तों बिजली प्रोवाइड करने का दोस्तों ये पूरा प्लानिंग है गवर्नमेंट्स का। और जो कि आपको पता ही होगा कि गांव में खेत में बिजली का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो यहाँ पे सोलर के जरिए दोस्तों यहाँ पे बिजली प्रोवाइड की जाएगी, जो कि उसके लिए यहाँ पे टाटा पावर के साथ टाई अप किया हुआ है एंड साथ में वाटर पंप्स का भी दोस्तों यहाँ पे प्लानिंग है। तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पे एक खबर है, जो कि देखा जाए तो 10,000 माइक्रोग्रिड्स का दोस्तों सेटअप्स का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट टाटा पावर को मिला हुआ है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो CSC, जो कि ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स है ई गवर्नमेंट सर्विस के, उसकी ओर से दोस्तों ये अनाउंसमेंट्स आया हुआ है। तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आई है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर है। और देखा जाए तो पूरे इंडिया में तकरीबन 3.75 लाख CSC सेंटर्स है, तो उसके साथ दोस्तों यहाँ पे टाटा पावर का टाई अप होने वाला है, यानी पार्टनरशिप उसके साथ होने वाली है। तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आई है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर है। और देखा जाए तो पूरे इंडिया में तकरीबन 3.75 लाख CSC सेंटर्स है, तो उसके साथ दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है टाटा पावर्स की। तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पे अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर मुझे लग रही है। तो इस खबर का इम्पैक्ट शेयर प्राइस के ऊपर किस तरह का देखने को मिलता है, आगे शॉर्ट टर्म में किस तरह के लेवल और टारगेट नज़र आ सकते हैं उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, टाटा पावर का चार्ट 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है और 96 का, जो कि पिछले 2 दिन से हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा था 96 का, तो उस 96 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ हमें सस्टेन होता हुआ टाटा पावर नजर आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग दी 96 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट 100 रुपये का और उसके ऊपर 103 रुपये तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप पोजीशन बनाए तो प्रॉपर SL के साथ पोजीशन बनाए, जिस तरह से बाज़ार में सिचुएशन बनी हुई है मुझे लग रहा है कि बाज़ार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है, जिस तरह से आज हमें बाज़ार में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो हो सकता है दोस्तों अगर बाज़ार में कोई भारी गिरावट देखने को मिलती है तो ये सपोर्ट लेवल भी आपको ब्रेक होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और ऊपर के लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 106 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 106 रुपये के आसपास हमें बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है टाटा पावर्स में। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 115 रुपये तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं टाटा पावर में। तो अभी दोस्तों आप इन लेवल को वॉच आउट करें, अपना स्टडी कंडक्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। और पोजीशन बनाते हैं तो प्रॉपर SL के साथ ही पोजीशन बनाए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एंगेज करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो इसी जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगैन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।